अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बना रहे हैं एक सिंपल मशीन से एक कलर, बहुत ही खूबसूरत सा मल्टी शेड कलर का हम धागा यूज़ करेंगे। ये मैंने सेंटर करके उसके साइडों पे सिलाई निशान लगाए हैं, और ये अब मैं ये पत्ती मैंने काटी है, इससे मैं करूँगी इसके ऊपर ड्रॉ। ड्रॉ कंप्लीट करने के बाद ये इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे अपना मल्टी शेड का धागा डालने के बाद। आपका जैसे दिल करे, मैंने तो ऐसे नीचे लंबी लंबी लाइनें बना दी हैं, ये तकरीबन 4 लाइनें हैं। और नीचे से एक मोटिफ बनाया जो आपको नज़र आ रहा होगा। ये साड़ी मैंने कंप्लीट कर ली है, एक तरह की आप ये दूसरी तरह की, ये अगर आप इस तरह की नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो सिंपल ही अच्छे लगेंगे। ये मैंने वैसे ही थोड़ी भराई करने के लिए लाइन लगा दी है। इनके सेंटर में मैंने टांगा बनाना है, मुशरफ टांगा। अगर आप नहीं बनाना चाहते, कोई इनके सेंटर में कोई बटन लगाना चाहते हैं, आप वो भी लगा सकते हैं, वो भी खूबसूरत लगेगा। आजकल वैसे भी मार्केट में इस्त्री वाले बहुत ही खूबसूरत नग आए हुए हैं, जो अक्सर आपने जर्सी कपड़े के बुरकों पे, वैसे बुरकों पे देखे होंगे, वो भी हम लगा सकते हैं। इसी तरह ये वाली चीज़ तो हमारी ये सिलाई लगाने से कंप्लीट हो जाएगी, और सेंटर में हम पट्टी बनाएंगे क्योंकि हमारा बंद गला है। ये मैंने तकरीबन ज़्यादा सारा जो मेरा धागा था ना, वो मैंने ना 4 इंच लंबे, 4 इंच कह रहे हैं, 8 सेंटीमीटर के कागज़ के ऊपर मैंने लपेटा है। उसके बाद ये इसके ना ये थोड़ा सा रख के ना, ये जहाँ पे मेरा अंगूठा है यहाँ पे मैंने गिरा बांध दिया था। बांधने के बाद इसके ऊपर रखा, और इसके ऊपर रखने के बाद आप को आता होगा शायद टांगा, ये मैं कहाँ टांगा कर रही हूँ। इससे ये थोड़ा सा मुख्तलिफ किस्म की बन जाती है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में अपनी अपनी शर्ट के ऊपर यही तरीका, उस वीडियो में भी इसी तरीके से बनाई गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, ये मैं आपको ना ये जो डिज़ाइन बनाया है मैंने, ये मुशरफ टांगे का, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि मैं आपको बना के दिखा दूँ। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।
मेरा गला कुछ इस तरह से बन के रेडी हुआ है।